की कृपा कर। एक मिनट पीछे आइए। हो गया हो गया। एक बार और पकड़ लो, एक बार पकड़ लो। सामने सामने हो गया। कोरोना में कैसे ज्वाइन हैंड करें? आज मैं सबसे पहले मैं श्री तेजस्वी यादव जी, हम लोग के पूर्व से लेकर के आज तक आगे भी हमारे अभिभावक के श्री जगता बाबू हमारे साथ यहाँ उपस्थित फुलवारी प्रखंड की प्रमुख और अम्बेडकर हॉस्टल और अम्बेडकर छात्रावास और अम्बेडकर के आंदोलन के बड़े नेता अमर आज़ाद जी, ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कई हमारे नेता लोग उपस्थित हैं। मुझे सबसे पहले मैं आज भावुक हो रहा हूँ, अपने घर में आ करके वापस आ करके कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद वो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पटाक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़ा हैं, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं और उनकी स्थिति बड़ी ही नगण्यता है। बड़ी बड़ी बयान दी जाती है लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम तो बहुत सारे चीज़ आंकड़े लेकर के आए हैं लेकिन प्रांतीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि कमी शब्द में अपनी बात कहना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आंकड़े उठा करके देखेंगे तो बिहार में हम कल परसों की बात करते हैं, उचकारी थाना जो कहलगांव के पास एक मासूम दलित लड़की के साथ रेप होता है चार लोगों के द्वारा और एसपी तक को कहा जाता है कार्रवाई नहीं होती है, थाना में एफआईआर नहीं होता है, बहुत परेशानी के बाद एफआईआर होता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। ये तो एक नाम बोल रहे हैं लेकिन बिहार के कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ दलितों के साथ हत्या बलात्कार उसके साथ छेड़खानी नहीं हो रही। विकास का वही अवस्था है, बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, बजट बनता है 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, खर्च होता है 11%, 2%, 9%, क्या हो रहा है? तो आप बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 1700 करोड़ रुपया हमने दिया, खर्च हुआ सिर्फ 11%, तो ये क्या दर्शाता है? और दलितों के प्रति जो उनका जो रहा है नज़रिया, चाहे वो श्याम रजक हो चाहे और भी लोग हों, आम जनता के साथ भी रहता है जो प्रतिनिधि रहे हैं। मैं जब 2 अप्रैल को दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था, तेजस्वी जी थे प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से वहाँ और इन्हीं के नेतृत्व में जब हम लोग सब लोग बेल में आए थे, हम सत्ता में थे लेकिन हम लोग भी बेल में आए थे और वही खटक होने लगा कि दलितों की बात कहने वाला कैसे हो सकता, ये सारी बात है। और इस लेकर के मैंने इस्तीफा की बात कही और मंत्रालय हमारे लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, हम तो कई बार मंत्री हैं, आदरणीय लालू यादव जी ने
श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हमको मंत्री बनाया, लेकिन मेरा चेहरा आप लोग खुद मूल्यांकन करते होंगे। आज भी मैं जिस विभाग में था, उद्योग विभाग मरणासन था, चाहे खादी मॉल का सवाल हो, हैंडलूम हाट का सवाल हो, या भागलपुर में सिल्क सिटी का सवाल हो, चाहे बुनकरों का जो पावर लूम जो गया में जो भूखहाल थे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से वहाँ काम किया गया कि काम को कैसे रोका जाए, तो मुझे एक प्रताड़ना हुई, और इस कारण ये सारे सवाल हैं जिसके कारण हम उनको छोड़ना चाहे या छोड़ने का काम किया। अब बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का, उस संविधान में धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था, तो जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और राष्ट्र की और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। NRC आप देख रहे हैं किस तरह से जो दलित हैं, जो पिछड़ा हैं, जो मुस्लिम हैं, अकलियत हैं, उनके साथ अत्याचार का काम जो हो रहा है, ये सारे सवाल हैं। और ये सवाल के लिए मैं छपक रहा था, घपक रहा था कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए। मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जनता के आकांक्षाओं को हम सतह पर उतारने का काम। एक छोटा सा सवाल है कि तेजस्वी यादव के साथ आप कब तक रहेंगे, क्योंकि 2009 में जब आपने RJD छोड़ा था तो उस वक्त ये आपने आरोप लगाया था, वो हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, आपने ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव और शेख प्रताप यादव जातिगत टिप्पणी करते हैं, मैडम राबड़ी देवी जातिगत टिप्पणी करती है, और इसी दुख की वजह से लालू प्रसाद यादव का सहयोग आपको नहीं मिला और इस दुख की वजह से आप RJD छोड़ रहे हैं, दलित का अपमान हो रहा है। नहीं, ये जो शब्द आप बात कर रहे हैं वो शब्द मैंने कभी नहीं कहा, और मैं बराबर कहता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ हम हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में कोई हम समझौता नहीं करेंगे इसके विरोध में अगर कहीं भी, और यही कारण रहा और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आज युवा एक आस्था रखे हुए हैं, जो बिहार में देश में जो युवा मतदाता की संख्या बढ़ी है, उनको लगता है कि आज जो बेरोजगारी जिस तरह से बेकारी हाल है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में करते हैं। मैं तो लिखित क्या, मैं तो सदस्यता लिया हूं, और जहां तक कब तक रहेंगे ये ईश्वर ही जानता होगा कि कौन व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा। आप कब तक जीवित हैं, मैं कब तक जीवित हूं, लेकिन मैं कहता हूं इस विचार के साथ अंतिम दम तक रहूंगा, विचार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और बिहार की उन्नति और बिहार की विकास के लिए, और जिस तरह NRC का सवाल हो, दलित उत्पीड़न का सवाल हो, ये सारे सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक लड़ाई का मंजिल तक नहीं पहुंचते हम लड़ाई लड़ते रहे। हो गया, आप एक सवाल पूछे और सब। हमने पहले ही कहा कि विचारों की लड़ाई रही है, जिस तरह विचार हमारा रहा है उस विचारों का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जूर उड़ने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई MLA, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है हाल। तो क्या आगे और मंत्री भी, क्या आगे आगे और मंत्री भी आ रहे हैं? सारे लोग बेहाल हैं, प्रताड़ित हैं, और सब लोग निराश हैं।
आगे आगे देखिए क्या होता है, ऐसा देखिए आगे आगे होता है क्या। सवाल नहीं है, ठीक है, हम बोल रहे थे। बैठ जाओ भैया। चलिए देखिए, सबसे पहले जगह दे दो ना भाई, जल्दी जाइए ना, बोलना है। ना छोटी 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 उठा लेगा। चलिए इधर कर दो, इधर कर दो, ठीक। सबसे पहले श्याम रजक जी, आदरणीय श्याम रजक जी का पार्टी में हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्याम रजक जी अपने पुराने घर में आए, अपने असली घर में आए, इसका हम सब लोगों को खुशी है। और लगातार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में इनकी विचारधारा रही है, जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि क्या क्या कारण था जनता दल यूनाइटेड छोड़ने का। एक बात स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड हो या डबल इंजन की जो सरकार हो, जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है और लगातार बिहार में चाहे बढ़ता अपराध हो, चाहे बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया हो, या आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से नीतीश जी के राज में मजदूरों की बेइज्जती की गई, अन्याय किया गया उनके साथ, कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, स्वास्थ्य महकमा जो है भ्रष्ट हो गया, आपदा विभाग जो है भ्रष्ट हो गया, बाढ़ से डूब रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जा करके अपनी राजनीति जो है वो सेकने का काम कर रहे हैं। कई बार हम लोगों को लोग कहते हैं कि नीतीश जी से बड़ी नाराजगी है, और वो नाराजगी जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि हम लोग नया बिहार बनाने में विश्वास रखते हैं और जात पात की जो राजनीति है इससे ऊपर उठ करके आज हम सब लोगों को नया बिहार बनाने का काम करना है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब लोग जो हैं बेबस हैं, नाराज हैं, नाखुश हैं। और अपने इच्छा से माननीय श्याम रजक जी जो हैं इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। नाराजगी जो है सत्ताधारी दलों में है। अब आप देखिएगा लगातार, चाहे सीए का मामला हो, 370 धारा के मामले हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, या जिस प्रकार से SC ST के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, OBC के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, और नीतीश कुमार जी केवल अपनी सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए ना कोई विचार रह गया, ना कोई नीति रह गई, ना कोई सिद्धांत रह गया, हर चीज में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया।
और एक पत्रकार बंधु हमसे श्याम रजक जी से सवाल पूछ रहे थे, तो हम तो उनको कहना चाहते हैं डीएनए का गाली जिस व्यक्ति को मिला आज वो घुटने टेक दिए, उसी व्यक्ति के आगे जिसने डीएनए का गाली दिया था उसका भी वीडियो है हमारे पास। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, इसका भी वीडियो है हमारे पास। सुशील मोदी जी ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार इज नॉट बिहार, बिहार इज नॉट नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार बिहार के पर्याय नहीं है, ये भी वीडियो है हमारे पास। तो जो व्यक्ति, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, नाम अगर हम लोग गिनवाना शुरू कर दें पूरी किताब भर जाएगी, लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम याद दिलाना चाहें, आप लोगों को रिफ्रेश कराना चाहें, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे भाजपा के लोग हो जो थाली खींचने का काम किया गया, या हम लोग हो बीजेपी में, चाहे शरद यादव जी हो, जीतन राम मांझी हो, तो कोई तो व्यक्ति अगर देखा जाए तो कोई तो बचा ही नहीं जिसको नीतीश जी ने नहीं ठगा हो। जब चार साल में चार सरकारें बनती हो खुद के लालच में, मेजॉरिटी आने के बाद भी चार साल में चार सरकार बनती हो, उनका कोई जो है सवाल पूछने का हक नहीं बनता है। बिहार ने मैंडेट महागठबंधन को दिया था, चोर दरवाजे से बीजेपी को सरकार में लाने का काम इन्होंने किया। जो व्यक्ति जनादेश का अपमान कर दे उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कोई आइडिया नहीं रह गया, कोई दूरदर्शिता नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। और लगातार 136 दिनों से जो है सीएम आवास में वो रहे, ना बाढ़ पीड़ितों की चिंता, ना कोरोना से जो महामारी जिस प्रकार से संक्रमित हो रहा है पूरा बिहार, नेशनल हॉटस्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। बद इंतजामी इतनी है, हम सब लोगों ने कल भी हमने एक ट्वीट करके देखा कि बिना पीपी किट के भाई जांच चल रहा है कोरोना का, तो लोगों में भारी निराशा है। ना पलायन रोक सके, ना रोजगार दे सके, अपराध तो चार गुना बढ़ गया, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है, और पूरी तरीके से अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है, तो जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। तो कई विधायक जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, क्या खलबली आपके खेमे में नहीं मची है? देखिए, हमने स्पष्ट पहले ही कर दिया, देखिए लोग जो हैं विधायक इधर से कुछ लोग जो गए हैं वो कोई नई बात नहीं है, वो लोग जो है पहले से ही बोलते रहे, और पार्टी नेतृत्व ने इन सारे बिंदुओं को देखते हुए जो है वो कार्रवाई की, तो उनको तो कल ही जो है निष्कासित कर दिया गया 6 सालों के लिए। तो इसमें जो है देखिए, हम इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, तो इस पर कोई अभी टिप्पा टिप्पणी नहीं। आज अहम बात है, चिराग मिलना चाहिए। देखिए अभी हमारी कोई जो है इस प्रकरण को लेकर के हमारी चिराग जी से बात नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, उनके खुद के मंत्री मुख्यमंत्री से विश्वास टूट गया, उम्मीद खो बैठे, और उनके नीतीश कुमार जी के मंत्री जो है पार्टी ज्वाइन कर, अगर हमारा याददाश्त हो तो 15 साल में पहली बार कोई नीतीश जी का मंत्री जो है
विपक्ष दल जो है ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो आखिर ऐसी क्या बात आ गई? और दूसरी बात कि उनके जो सहयोगी दल हैं चिराग पासवान जी लोजपा, तो वो तो साफ तौर पे बोलते रहे कि नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं। जब खुद के विधायक खुद के मंत्री से वो बात नहीं करते, चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सहयोगी दल के, वो कहते हैं कि भाई उनको फोन करते रहते हैं, मिलने का ना समय देते हैं ना बात करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हो गया। श्याम जी पार्टी में मिल गए हैं, श्याम जी क्या लगता है आरजेडी और आपको कितना सहयोग और समर्थन और मजबूती मिलेगी? अरे बिहार ने मूड बना लिया है, मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने भी संबोधन सुना गांधी मैदान से, तो जिस तरीके का उनका जो भाषण रहा, वक्तव्य रहा, नीतीश जी को किसी को उम्मीद नहीं होगी कि रेतु पे आ जाएंगे। अब पूरा जो है मेरा बिना नाम लिए हुए जो बोलना था वो बोला गया। आज तक बिहार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि गांधी मैदान से किसी एक व्यक्ति विशेष पे जो है टिप्पणी की गई। तो ये बौखलाहट जो है नीतीश जी की हम लोग समझ रहे हैं। वो भाषण उनका अंतिम भाषण था गांधी मैदान से। बहुत बहुत धन्यवाद।